नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी प्रो डॉट इन से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टेक रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हम लोग पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हुआ था रियलमी C1 के 2019 एडिशन के बारे में। जो अगला अपडेट है वो आता है जियो रेल ऐप की तरफ से, और जो उसके बाद वाला अपडेट है वो आता है आपका Xiaomi Redmi Note 6 बसेस, जो आपका जो Note 6 Pro है इसके संग आपका हवाई का जो Y9 है 2019 में, इसका जो अभी कंपेयर चल रहा है इसमें। अगला जो अपडेट है वो आता है आपका Samsung Galaxy A10 की तरफ से, जिसमें आपका Android Pie देखने को मिलता है। और अगला अपडेट जो आता है उसका आता है Samsung Galaxy M20 एंड M10 की तरफ से, जिसमें आपको Infinity V डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो आखिरी वाला अपडेट है ये आता है आपका Xiaomi CR6 की तरफ से। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये आपका इंडिया में लॉन्च करने वाला है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट आता है वो रियलमी C1 की तरफ से 2019 का, जो इसका एडिशन है उसको आपको देखने को मिल जाता है 3GB रैम एंड 2GB स्टोरेज के साथ, जो कि पहले आपको देखने को मिलता था 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज के संग। ये रिप्लेस हो चुका है आपका 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज के संग इस वर्जन के संग। और इसका जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। जो अगला अपडेट आता है वो आपका आता है जियो रेल ऐप की तरफ से, जो कि सिर्फ जियो फोन यूज़र के लिए है। इसमें से आप टिकट बुक कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपना स्टेटस, सीट एबिलिटी आप चेक कर सकते हो और भी बहुत कुछ। इसमें आप नॉर्मल टिकट तो बुक कर ही सकते हो, इसके साथ साथ आप तत्काल टिकट भी इसका बुक कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो टिकट सबको। और उसके संग आप PNR का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। ये सभी कुछ आप कर सकते हो बिना भी किसी की IRCTC वेबसाइट को ओपन किए। आपको IRCTC का वेबसाइट जो है उसको ओपन भी नहीं करना पड़ेगा, आप सभी कुछ इस ऐप का मदद से कर सकते हो। जो अगला अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो आता है रियलमी नोट 6 की तरफ से। जो रियलमी नोट 6 प्रो है इसके साथ जो हवाई Y9 है 2019 वाला एडिशन, इसमें जो कॉम्पिटिशन चल रहा है इसके बारे में। जो Redmi Note 6 Pro है ये आपको देखने को मिल जाता है 13,999 में, इसको देखने को मिल जाता है 4GB रैम प्लस 64GB के स्टोरेज। और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन हुआ आपको देखने को आपको वहाँ पे मिलता है 6GB रैम, जो कि आपको प्राइसिंग मिलता है आपका 17,999। और हवाई का जो Y9 है इसमें आपको देखने को मिल जाता है 4GB रैम विथ 64GB का फोन मेमोरी, और जिसका प्राइसिंग रहेगा आपका 15,990। जो आपका Redmi Note 6 Pro है और जो हवाई Y9 है दोनों की आपका आता है LED स्क्रीन के साथ। और जो आपको Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलता है 6.26 इंच का डिस्प्ले, और आपको हवाई Y9 में आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले। Redmi Note 6 Pro में आपको देखने को मिलता है Snapdragon का 636 का प्रोसेसर, और हवाई Y9 में आपको देखने को मिलता है ये क्लीन का 970 का प्रोसेसर। Note 6 Pro में आपको देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप, और 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा का सेटअप। बट आपको Y9 में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप बैक साइड में, और फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप। इन फोनों में देखने को आपको मिल जाता है 4000mAh का बैटरी, जो कि आपका 10W चार्जिंग सपोर्ट करता है। जो अगला अपडेट सामने आता है वो आता है Samsung Galaxy A10 की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है Exynos का 7885 का प्रोसेसर, ये आपको देखने को मिल जाता है Android Pie के संग। जो अगला अपडेट सामने आता है वो आता है Samsung Galaxy M20 M10 का संग, इसमें आपको देखने को मिल जाता है Infinity V डिस्प्ले, ये आपका डुअल कैमरा का सेटअप का संग आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं M20 के बारे में, इसमें आपको देखने को मिल जाता है डुअल कैमरा रियर में आपको सेटअप मिल जाता है, डुअल रियर कैमरा का सेटअप। ऊपर से इसको आपको मिल जाता है LED प्लस, जो कि आपको नॉर्मली सभी फोन में आपको देखने को मिल जाता है अभी के दिन में। और इसमें आपको देखने को मिल जाता है Exynos का 7904 का ऑक्टा कोर चिपसेट, इसका क्लॉकिंग स्पीड आपका 1.8 GHz का, जिसमें 6 कोर है, एक 1.6 GHz का है ऑप्टिमाइज बैटरी परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिल जाता है 3 और 4GB रैम का दो वेरियंट, जिसका आता है आपका 64GB के स्टोरेज का संग। इसमें आप अलग से भी माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो 512GB तक का। ये फोन आपको देखने को मिल जाता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस इन्फिनिटी वी डिस्प्ले का संग, जिसका रेजुलेशन है आपका पिक्सल है 2340x1080 पिक्सल रेजुलेशन है इसका। और आपको इसमें देखने को मिल जाता है पिन होल डिज़ाइन, जो कि आपको इन्फिनिटी वी में वी कट होल डिज़ाइन देखने को मिलता है स्क्रीन का टॉप में। और जो M10 है Samsung Galaxy का M10, इसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.2 इंच का LCD HD प्लस इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, जो आपका आता है 1.6 GHz ऑक्टा कोर का संग।
एक जीनोस 7870 चिपसेट का संग, जो आपको देखने को मिल जाता है 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज, और इसमें जो आपको माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करेगा वो 512GB तक का होगा। ये दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और M10 जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 8.1 का परफॉर्मेंस एंड्रॉयड का। Xiaomi CareSave एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में लॉन्च करने वाला है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो कि आपको चाइना से मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो Xiaomi है वो ऑलरेडी बहुत सा कंपनी के संग पार्टनरशिप में गया है, मोर देन 100 कंपनीज। उसमें से कुछ कुछ कंपनी नाम जो है जैसे है ब्लैक शार्क, वन मोर, कीगा डिज़ाइन, आपका मिजिला, नाइन बॉट, पोको, रोइडमी, वाईमी, ये सब आपका आ जाता है। वाई आई भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।